How are you? I hope you all will be fine. Today we will start exercise 12.2. इस exercise में भी हमें Heron's formula का ही use करना है, okay? सिर्फ यहाँ difference ये है कि आपको shapes जो हैं quadrilateral दिए होंगे, है ना? Figures जो हैं quadrilateral दिए होंगे और फिर quadrilateral में ही हमें triangle बनाना है या ढूंढना है और उसके बाद उनका area find करना है, okay? सो एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करती हूँ. ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, ठीक है. हैज एंगल सी इक्वल 90 डिग्री, ए बी इक्वल 9 मीटर, बी सी इक्वल 12 मीटर, सी डी इक्वल 5 मीटर एंड ए डी इक्वल 8 मीटर. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन क्वेश्चंस में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करना है, ठीक है. पर यहाँ तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है तो उसका एरिया फाइंड करना है. तो फिर अब हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा. जैसा कि बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल, एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप में है और उनके साइड्स भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको ए बी सी डी एक पार्क बनाना होगा, है ना. तो मैं ये पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, ओके. देखें, ये हो जाएगा ए बी सी और डी. जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल सी जो है वो राइट एंगल है ना, 90 डिग्री है. बी सी इक्वल कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है. ए बी कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर है, है ना. और ए डी कितना है, 8 मीटर. ये सेंटीमीटर में नहीं, ये सब मीटर में है, सॉरी मीटर. और DC कितना दिया है, 5 मीटर, है ना. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है. B से D को ज्वाइन करेंगे. अब B से जब आप D को ज्वाइन करेंगे तो देखिए यहाँ टू ट्रायंगल बन गए, एक बन गया ABD और एक बन गया BCD, है ना, या DCB, दो ट्रायंगल बन गए. अब हम आसानी से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर टू ट्रायंगल मिले हैं. दोनों ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे और उसे आपस में ऐड कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा, ओके. नाउ सी, ट्रायंगल का एरिया तो फाइंड करेंगे पर हमारे पास तो दो ही साइड दिए हुए हैं, थर्ड साइड नहीं है. तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे. इससे पहले भी हम लोगों ने ये किया है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, तो वो करेंगे. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनस यहाँ क्या है, बीडी, बीडी का स्क्वायर, बेस क्या है, बीसी, और आपका परपेंडिकुलर क्या है, डीसी. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, बीडी स्क्वायर अगर इसका हम हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, है ना. बी सी कितना दिया है, 12 स्क्वायर प्लस डी सी कितना है, 5 का स्क्वायर. सी बी डी इक्वल 144 प्लस 25, सो बी डी इक्वल रूट 169 और रूट 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 13 का, ओके. तो यहाँ पर आपको ये जो है बी डी, बी डी कितना मिल गया, 13 मीटर, है ना, ओके. अब ये 13 मीटर मिल गया, अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, है ना, ए बी डी का, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ओके. तो क्या होगा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो उससे पहले
क्या करेंगे, एस फाइंड करेंगे। एस के लिए क्या है आपका, तीनों साइड्स का सम और उसका हाफ, है ना। 9 + 13 + 8/2, ये कितना हुआ आपका 30/2 = 15, है ना। तो सेमी पेरीमीटर आपको क्या मिला, 15 मिला। सो पुट द वैल्यू 15 15 माइनस, ए कितना लिया हमने 9, 15 माइनस बी कितना लिया 13, 15 माइनस 8, ओके। तो ये हुआ 15 × 15 - 9 = 6, 15 - 13 = 2, 15 - 8 = 7, सी 3 × 5 = 3 × 2, फैक्टर लिखेंगे हम, 15 के फैक्टर क्या हुआ 3 × 5 = 15, 6 का क्या हुआ 3 × 2 × 2 × 7। अब देखें यहाँ पर किसका किसका पेयर बन रहा है, 3 का बना ये बाहर निकल गया, 2 का बना ये भी बाहर निकल गया, और किसका पेयर नहीं बना 5 × 7, है ना। तो ये क्या होगा 3 × 2 = 6 और 7 × 5 = 35, ये मिला हमको ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया, है ना। अब दूसरे ट्राइंगल जो नीचे दिया हुआ है उसका एरिया देखें हम, तो सेकंड ट्राइंगल क्या है, फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इक्वल, अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि राइट एंगल है, इट मींस हमको हाइट यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ½ × base × height, ओके। तो हाफ तो ये हुआ, बेस क्या है हमारा 12 cm एंड हाइट कितनी है 5, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये कितना मिला हमें 30 square meter, ओके। नाउ टोटल एरिया ऑफ द पार्क, टोटल एरिया ऑफ पार्क, दोनों ट्राइंगल का करते हैं हम एरिया प्लस, है ना, ट्राइंगल फर्स्ट प्लस ट्राइंगल सेकंड। सी ट्राइंगल फर्स्ट कितना था 6√35 और ये कितना था 30, है ना। तो 6 × √35 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ रूट 35 की वैल्यू होगी 5.91 अप्रोक्सीमेट, है ना, प्लस 30, ओके। तो इसका मल्टीप्लाई करें 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54, कैरी 5, 6 × 5 = 30 और 5 = 35, है ना, ये 35.46 प्लस 30। अब जब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा ये आपका 65.46, यहाँ अप्रोक्सीमेटली हम लिख देंगे, ओके। तो ये होगा आपका आंसर 65.46, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है आपको करना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, इसके बचे हुए क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, ओके। तो बचे हुए में सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकते, एक या दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, रेस्ट यू विल डू बाय योर सेल्फ, ओके। और अगर नहीं बनता है तो क्लास में आकर पूछें, स्कूल में आकर पूछें, ओके। डाउट क्लास में पूछ सकते हैं आप।